वैसे तो बैलेट पेपर से चुनावों में धांधली का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज उस चुनाव के बारे में बात करना जरूरी है जब देश एक सिटिंग प्रधानमंत्री की सीट पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप झेल रहा था और इसकी वजह से कई पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा। यह 1989 का लोकसभा चुनाव था जहां अमेठी से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिंपथी की लहर में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत गई, लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत कमजोर हो गई थी। 1989 में अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी में यह चुनाव असली गांधी और अपना गांधी के बीच बन गया था। लोग इस दुविधा में थे कि उन्हें असली गांधी यानी राजमोहन गांधी या अपना गांधी यानी राजीव गांधी, दोनों में से किसको चुनना है। हालांकि यह माना जाता कि यह चुनावी लड़ाई बराबरी की नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत के अंतर के कम होने की चिंता हो रही थी। इस चुनाव में राजमोहन गांधी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि पुलिस के लोग चुनाव में राजीव गांधी की मदद कर रहे थे। इसके अलावा राजीव गांधी के करीबी कांग्रेसी नेता सतीश शर्मा पर बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। अमेठी में हुई चुनावी हिंसा की वजह से चुनाव आयोग को 18% वोटों को अवैध घोषित करना पड़ा था और 97 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश देना पड़ा। उस सीट पर जहां राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे वहां आरोप लग रहा था कि बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। बड़ी संख्या में री इलेक्शन हुआ वहां पर कई बूथों पर। यह है उस जमाने की पोलिंग और उस जमाने का चुनाव। जो लोग आज ईवीएम को गाली देते हैं वो याद करें